हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू पोकेमॉन एश ग्रे वर्जन। तो मैं सो के उठ गया हूँ फिलहाल यहाँ से। यार वीडियो कल नहीं आ पाई थी उसके लिए सॉरी यार, क्योंकि यार मेरे घर में थोड़ा दिन में काम चलता रहता है, तो मैंने रिकॉर्डिंग की लेकिन नहीं हो पाया, तो इस टाइम रात में कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, तो इसलिए वीडियो भी नहीं आ पा रही थी कई दिनों से। बट अब चलते हैं, अब आएगी वीडियो यार, लगातार आएगी। आई होप कि मेरी आवाज़ तुम्हें सही आ रही होगी पहले से, और तुम लोगों ने Q&A का सब लोगों ने देख लिया होगा आई होप, जितने लोगों ने क्वेश्चन पूछा था उन सभी लोगों ने। तो यार हमें जाना है प्रोफेसर ओक के पास सबसे पहले। तुम लोगों ने कहा था कि जाओ और जाके मिलो, मतलब कि अपने चारिजार्ड को वापस लेके आओ। यार तुम लोग सब लोगों ने कमेंट किया यार कि चारिजार्ड को क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया भाई, क्यों छोड़ दिया भाई। मैंने छोड़ा नहीं था, बस थोड़ी देर के लिए उनको देखभाल के लिए दे दिया था, प्रोफेसर ने अच्छे तरीके से देखभाल कर लेंगे इसीलिए। और इससे पता चलता है कि तुम लोग ज़्यादातर लोग यार चारिजार्ड के फ़ैन हो, मतलब तुम्हें सबको चारिजार्ड पसंद है, इससे पता चलता है मुझे। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने ही कमेंट किया था चारिजार्ड को कि उसको क्यों लेके आओ, उसको लेके आओ, तो इसे पता चलता है यार एक बात। तो ये भी चारिजार्ड सबका फेवरेट है यार, अपना ही फेवरेट चारिजार्ड है फायर टाइप में। अब चलते हैं आगे यार। प्रोफेसर ओक ने हमसे कहा था कि हमें जानना है आज, मतलब कि वेस्टवुड यहाँ का कोई प्रोफेसर है, कौन सा आइलैंड बताया था पता नहीं यार, कुछ आइलैंड का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा सही से, बट कोई आइलैंड था वो सी फॉम आइलैंड, हाँ वहीं जाना है हमें। वहाँ पर जाने के बाद हमें मतलब कि वेस्टवुड वहाँ पे एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने पोकेडेक्स का मतलब इन्वेंशन भी किया था, बनाया है, पोकेडेक्स के क्रिएटर हैं वो, और साथ ही साथ वो रिसर्च कर रहे हैं स्लो पोक के ऊपर कि स्लो पोक कैसे इवॉल्व हो जाता है स्लो ग्रो में। तो हमें जाके पता लगाना है उस चीज़ को। तो यार मैं तो बहुत एक्साइटेड देखने के लिए, वैसे मुझे पता है थोड़ा बहुत, बट फिर भी अपने आँखों से देखना अलग ही बात होती है। चलते हैं जल्दी से जल्दी। सिट्रा तू भी ले थंडर वाला बोल्ट, चुपचाप निकल ले इधर से। चलो यार चलते हैं बिना देर के हम लोग। और ये कौन बंदा है भाई, क्या हाल है भाई। आई नेट सेल ऑन माई बर्ड्स बर्ड पोकेमॉन, नाउ आई एम लॉस्ट एश्योर। इसके पास अगर बर्ड पोकेमॉन होंगे कोई नहीं, इसको हरा दे देंगे आराम से हम लोग। एक आयरन टेल देंगे इसको, देखते हैं काम करता है कि नहीं आयरन टेल, वो ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं आयरन टेल। एक देते हैं इसको हम लोग, थंडर बोल्ट से काम बन जाएगा आराम से। और ये बनता गया मतलब ये पैर हो गया फेंट। चलते हैं आगे फिलहाल देर किए बिना, हमें जाना है प्रोफेसर से मिलने। लग रहा है मेरे ख्याल से उनका घर होगा, देखते हैं हम लोग सही जगह आए हैं। हाँ यही है सी फॉर्म आइलैंड्स। तो चलते हैं बात करते हैं जरा प्रोफेसर से। ये रहे यहाँ के प्रोफेसर वेस्टवुड ही होंगी। आ हु हैव वी वेयर, सो यू आर फ्रेंड्स ऑफ प्रोफेसर ओक ई। हम लोग प्रोफेसर ओक के रिश्तेदार हैं, फ्रेंड कह सकते हो तुम। प्लीज़ डोंट कॉल मी प्रोफेसर, इट्स मच टू फॉर्मल। कह रहा है मुझे प्रोफेसर मत बुलाओ, ये बहुत पुराना हो चुका है सब। माई फ्रेंड एंड एसोसिएट्स आल कॉल मी वेस्टवुड द फिफ्थ। तो इनके सारे फ्रेंड, इनके दोस्त और परिवार वाले सब इनको वेस्टवुड द फिफ्थ कहते हैं, इतना बड़ा नाम है इनका। आई एम द फिफ्थ जनरेशन वेस्टवुड। वो भाई इनका भी जनरेशन चलता है, मतलब इस तरह से जनरेशन 1, 2, 3, 4 ये फिफ्थ नंबर पे हैं। सो यू कैन सी दैट आई कम फ्रॉम ए लॉन्ग लाइन ऑफ पोकेमॉन रिसर्चर्स। आ द मोमेंट आई एम सॉल्विंग ए रियल लाइफ मिस्ट्री स्लोली बट श्योरली। तो ये सॉल्व कर रहे हैं कोई मिस्ट्री, कह रहे हैं बड़ी जल्दी सॉल्व कर लूँगा अच्छे तरीके से। आई वॉन्ट टू डिस्कवर वाई शेल्डर अटैच मतलब अटैच होता है स्लोपोक से टू कॉज इट टू इवॉल्व इन टू स्लोब्रो। तो क्या ये पता लगाने कि शेल्डर पोकेमॉन, तुमको पता होगा यार वाटर टाइप है, तो जब स्लो पोक पर मतलब उसकी उसके ऊपर अटैच होता है उससे, तो वो स्लो ग्रो में इवॉल्व हो जाता है स्लो पोक। ऐसा क्यों होता है, तो उसी पे रिसर्च कर रहे हैं ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है ऐसा। आई हैव बीन रिसर्चिंग विथ माई स्लो पोक, यू मे हैव सीन इट फिशिंग ऑन द बीच। इफ आई कैन अंडरस्टैंड वाई स्लो पोक इवॉल्व इन टू स्लो ग्रो, आई विल हैव अर्न्ड द राइट टू कॉल माई सेल्फ ए वेस्टवुड। तो इन्होंने कसम खाई है कि भाई पता लगा के रहेंगे कैसे स्लो पोक स्लो ग्रो में इवॉल्व हो जाता है शेल्डर के अटैच होने से। इनका पास भी एक स्लो ग्रो, इन्होंने बताया कि यहीं कहीं बीच पे बैठा हुआ मछली पकड़ रहा है वो फिलहाल अपनी पूछ से। तो यही है वो स्लो पोक। ए भाई स्लो पोक क्या हाल है, स्लो पोक बहुत वो पकवान बहुत आलसी टाइप का लगता मुझे। तो अगर शेल्डर अपने पास हो तो काम बन जाता है वैसे तो, लेकिन यहाँ शेल्डर मुझे दिख नहीं रहा कोई। तो एक शेल्डर पकड़ते हैं, चलो यार ट्राई करते हैं। तो शेल्डर को पकड़ के हो सकता है हम लोग कुछ कर सकें यहाँ पे। तो यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे अपनी सुपर रॉड का।
शेल्डर आ जाए तो अच्छी बात है। एक कुछ आया है, एक क्रैबी, नहीं क्रैबी नहीं पकड़ना अपने पास, ऐसे एक क्रैबी है, देखते हैं ट्राई करते हैं यार मिलेगा, मुझे उम्मीद है कि मिल जाए जल्दी ही मुझे, डोंट वरी। अरे रात नहीं करना, फिर से एक बार यूज करते हैं अपने, आ जा भाई निबल फिर से। मछली पकड़ने में बहुत टाइम लगता है यार, स्लो पोक कितनी ऊपर से कैसे पकड़ रहा होगा, मुझे यकीन नहीं होता यार स्लो पोक का। ये अपनी पूँछ से पकड़ लेता, बुला लेता उनको, खींच लेता अपनी पूँछ से ही। आ गया भाई एक शेल्डर अपने पास आ गया, थंडर बोल्ट देंगे तो चला जाएगा भाई फेंट ये। बुलाते हैं अपने थोड़े कमज़ोर पोकेमोन को, यानी कि पिजियोटो को, उससे अगर ये यहाँ पे यूज करें हम लोग टैकल तो हो सकता है ये बच जाए, फेंट ना हो। बच गया, एक और टैकल यूज करूँ क्या, कहीं फेंट ना हो जाए यार। एक और टैकल यूज़ करना चाहिए मुझे, ट्राई करते हैं। अबे यार फेंट हो गया तो सॉरी यार, फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, पकड़ता हूँ, कोई नहीं अबकी मिल जाएगा। सुपर रॉड बहुत सही आ गया है, शेल्डर ही हो तो अच्छा रहेगा। अरे यार ये क्रैबी क्यों आ रहा है मेरे पास, क्रैबी तुझे नहीं चाहिए मुझे, मुझे लग रहा है इस तरफ मुंह करके पकड़ने से आएगा मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है निबल, लेकिन बता रहा है इधर तो। फिर से सुपर रॉड आ जाए भाई, शेल्डर कहाँ, इस बार पकड़ लूँगा पक्का। अरे यार क्रैबी तेरे को क्या प्रॉब्लम है मेरे से भाई, आ जा शेल्डर मेरे दोस्त। वैसे शेल्डर से आ जाए, शेल्डर का एक रिलूशन है क्लोस्ट तेयर, जिसमें भी देखा हो तुमने, ऐसा कुछ नाम है क्लोइस्टर करके कुछ, उसका नाम है शेल्डर का रिलूशन का तो। लेकिन यार इसमें अलग ही सिस्टम चलता है, मतलब अगर स्लो ग्रो से चिपकेगा तो वो उसके साथ मिलके एक अलग ही एवोल्यूशन बना लेगा अपना, तो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। जल्दी यार देखते हैं मिल जाए अपने को, निब्बल 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 यहाँ मिलने वाला ही नहीं है क्या अपने को यार, यहाँ तो एक भी नहीं लगता मिलेगा। फिर से शेल्डर आ गया, इसको बार पकड़ लेंगे, इस बार डायरेक्ट पर देखते हैं पोके बॉल, देखते हैं आता है डायरेक्ट, मुश्किल है वैसे तो डायरेक्ट, तो कुछ भी ट्राई नहीं आएगा डायरेक्ट, फिर योटो के बुलाना पड़ेगा, नहीं तो और कोई अटैक करेंगे तो ये फेंट हो जाएगा पक्का है, तो टैकल ही देंगे इसको हम लोग सुपर सोनिक ओनो। एक टैकल दे दे भाई, एक टैकल दे दे, टैकल दे पिजियोटो, टैकल बॉस। अब यार ये फेंट क्यों कर दे रहा है मुझे, तो पकड़ के रहूँगा किसी भी तरीके से आज, तो आज ना छोड़, अरे यार आज ना छोड़ेंगे गाना गाने लगा तुम्हारी, चलो इसको पकड़ेंगे आज। शेल्डर मेरे दोस्त आ जा भाई हुक में, आ जा मेरे, आ गया है लेवल 16 का ये भी है, कैसे पकड़ूँ इसको। अपने पास एक पोकेमोन बल्बस और देखते हैं उसके पास कोई पॉइजन पाउडर वाउडर है तो पकड़ सकते हैं हम लोग आराम से। लेट्स वैसे इफेक्टिव नहीं होगा इसका मूव, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। सोलर रिंग, रेजर लीव, सीड बॉम्ब, खतरनाक मूव, सारे टैकल देते हैं। बच गया बहुत सही बहुत सही बहुत सही बच गया यार। पोके बॉल आ जा भाई, पोके बॉल में आ जा मेरे भाई, आ जा पोके बॉल में आ जा आराम से। और ये हम लोगों ने पकड़ लिया शेल्डर को बिना कोई प्रॉब्लम के, इसका निक नेम नहीं देना यार। तो अपने पास शेल्डर आगे जरा बात करते हैं उनसे। प्रोफेसर वेस्टवुड कहाँ है मेरे भाई, प्रोफेसर वेस्ट वेस्टवुड वेस्ट वेस्टवुड द फिफ्थ, आई एम श्योर आई कुड अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ स्लोपोक्स एवोल्यूशन इफ आई कुड जस्ट विटनेस इट इन फर्स्ट हैंड, बट फॉर दैट टू हैपन ए शेल्डर वुड हैव टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू माई स्लोपोक। तो अगर हमें ये करना है ये काम, तो कह रहे हैं कि शेल्डर को है, मतलब उसके पास भेजना पड़ेगा स्लोपोक के पास, तो जरा करके देखते हैं हम लोग क्या होता है यहाँ पे। तो भाई स्लोपोक बैठा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा आलसी टाइप का पोकेमॉन है ये। वुड यू लाइक टू रिलीज शेल्डर टू वेस्टवुड द फिफ्थ पोके फिफ्थ स्लोपोक, या हम लोग देना चाहते हैं शेल्डर को, दे देते हैं वेस्टवुड फिफ्थ के स्लोपोक के पास। इट्स इंस्टेंटली क्लैम्प्ड ऑन टू स्लोपोक टेल, तो भाई जैसे मैंने शेल्डर को छोड़ा तुरंत जाके इसकी पूछ में चिपक गया है वो। अमेजिंग, स्लोपोक एंड शेल्डर इवॉल्व इंटू स्लोब्रो, तो स्लोपोक और शेल्डर दोनों मिल के आपस में स्लोब्रो में इवॉल्व हो गए, कैसे हुआ ये देख नहीं पाया है। यही देखो भाई स्लोब्रो है, उस टाइम जिस टाइम इंडिगो ले गए तो उस टाइम भाई नया पकवान था अपने लिए देखने के लिए, अभी तो बहुत बार हम लोग जानते हैं इस पर आराम से स्लोब्रो। अब जरा पता करते हैं कि कैसे हुआ ये, कैसे इवोल्यूशन ये वाला पॉसिबल हो पाया है। तो बिना देर के चलते हैं हम लोग प्रोफेसर के पास। तो ये हैं अपने प्रोफेसर वेस्टवुड यहाँ पर खड़े हैं। सोमी आई सॉ द होल इंसिडेंट फ्रॉम माई विंडो, तो भाई छुप छुप के देख रहे थे कि जो हम लोग कर रहे थे अपनी खिड़की से। स्लोपोक इवॉल्व इंटू स्लोब्रो व्हेन यू इंट्रोड्यूस शेल्डर टू इट, यस कैसे हुआ ये, सीइंग इट इन पर्सन मेड मी अंडरस्टैंड सो मच मोर क्लियरली, तो ये देखते हुए बहुत कुछ जान गई इस बारे में कि कैसे ये एवोल्यूशन पॉसिबल हो सका है। द रीजन शेल्डर एंड स्लोपोक बॉन्ड विथ ईच अदर इज बिकॉज इट्स म्यूचुअली बेनिफिशियल,
तो कह रहे हैं ये चीज़ इसलिए हो क्योंकि कहते हैं इनमें दोनों लोगों का फ़ायदा, यानी शेल्डर का भी और स्लोपोक का भी दोनों का फ़ायदा था इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन क्यों? इट्स अलाउस स्लोपोक टू स्टैंड अपराइट एंड यूज पावरफुल मूव्स लाइक द मेगा पंच। तो इससे स्लोपोक को फ़ायदा है कि वो मेगा पंच जैसे खतरनाक मूव का यूज कर सकता है, क्योंकि स्लो जब उसको पूछ में काटा मतलब शेल्डर ने तो वो अपने दो पैरों पर खड़ा हो गया था, तो इसलिए अपने दोनों हाथ मतलब दो पैर के और हैं तो हाथ कह सकते हो उसको तुम लोग, तो उन दोनों हाथों से मेगा पंच का यूज कर सकता है वो मूव का। एंड इट अलाउ शेल्डर टू ट्रैवल ऑन लैंड, और इससे एक फ़ायदा और है कि शेल्डर को ज़्यादा कूदना फांदना नहीं पड़ता मतलब लैंड पर पानी में, अरे लैंड करना मतलब ज़मीन पर ज़्यादा कूदना नहीं पड़ता उसको क्योंकि और वाटर टाइप है तो आराम से रह पाएगा वो। थैंक यू स्वामी, दिस इज ए मोनूमेंटल डिस्कवरी। हाँ यार एक डिस्कवरी कर दी हम लोगों ने आज। एज माई थैंक्स प्लीज हैव दिस रियल स्केल। ये क्या यार, यू डोंट हैव रूम फॉर दिस, लग रहा है अपने पास जगह नहीं, फिलहाल बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने पास भरी हुई हैं, कोई नहीं जगह खाली करके आके ले लेंगे इनसे हम। इसमें कि हाँ कई सारी फोटोज लगी हुई, देखते हैं क्या है। ए पिक्चर ऑफ प्रोफेसर वेस्ट वुड्स ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, तो ये फोटो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर के इनके, जिनका नाम है वेस्ट वुड द फर्स्ट, ये कौन, और ये वेस्ट वुड सेकेंड है तो ये थर्ड होंगे भाई, जाहिर सी बात है वेस्ट वुड के ग्रैंड फादर ये भी हैं, वेस्ट वुड द थर्ड ये भी ग्रैंड फादर हैं, नहीं ये तो इनके फादर है रियल, ये वेस्ट वुड द फोर्थ हैं और ये फिफ्थ वाला कौन है भाई, वेस्ट वुड द फिफ्थ, ये अपनी फोटो भी लगा लिया, वाह भाई इज इज़ नॉट ए वेरी गुड लाइकनेस। हाँ भाई अपने आप को तो सुंदर समझो गई थी, यहाँ पे कुछ है एक पीसी, यहाँ पे हम लोग अपने चीज़ों को भेज सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो इन पीसी को थोड़ा खाली करते हैं यहाँ से ज़रा। आइटम स्टोर है, डिपॉजिट करना है मुझे कुछ चीज़ें, डिपॉजिट कर देते हैं जैसे कि इसको डिपॉजिट करते हैं ज़रा, लकी एक को कर देते हैं डिपॉजिट, और क्या कर सकते हैं हम लोग, ब्लू स्कार्फ का भी ज़रूरत नहीं है अपने को, और मैक्स पोशन नहीं, एक्स स्पीड ड्रैगन स्केल तो अपने पास है, फुल हील है, मैक्स रिपेल अपग्रेड का भी काम की जरूरत नहीं अपने को, और मिरेकल सीड की ज़रूरत पड़ सकती है। बिग मशरूम्स का क्या करूँगा यार, हटाओ, हील पाउडर रिवाइवल हर्ब आइस हील जिंक कारबॉस पॉकेट ऑल का कोई काम नहीं फिलहाल, हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, बाद में काम पड़ेगा तो ले लूँगा पॉकेट ऑल को। तो सारी स्टूडेंट हम लोगों ने खाली कर दिया, ज़रा देखते हैं यहाँ पे, बात करते हैं प्रोफेसर वेस्ट वुड से, अब अपने पास जगह है कि नहीं ज़रा चेक करते हैं। हाँ ठीक है, हाँ हार्ट स्केल में मिल गई है एक, चलो इसका यूज क्या ज़रा चेक करते हैं कैसी स्केल क्या है ये। हार्ट स्केल ए प्रिटी हार्ट शेप्ड स्केल दैट इट एक्सट्रीमली रेयर इट ग्लोस फेंटली इन द कलर्स ऑन ऑफ ए रेनबो, चलो रेनबो को देखने में काम आएगी जब रेनबो कहीं होगा, वैसे रेनबो तो पहले ही चला गया जब हम लोगों ने हो ओ को देखा था, तो अब चलते हैं आगे। तो यार आज वीडियो यहीं तक रखते हैं, वैसे वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई होगी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी लेकिन थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई होगी, तुमको समझाने में टाइम लग गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। तुमको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, इंस्टाग्राम पे जाकर यार फॉलो मारो, और फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम फेसबुक दो जगह जाकर फॉलो कर लो मुझे, और सब्सक्राइब करो अगर आप लोग नए हो तो, और ऐसे ही नई नई वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाना, एंड कमेंट करके बताओ कैसा लगा एपिसोड, यार कल नहीं आ पाया तो उसके लिए सॉरी, अब रेगुलरली आएगा। तो करते हैं गेम को यहीं सेव, गुड नाइट, बाय बाय, और बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं फिर गेम को सेव, अपने गेम हो चुका अपना सेव, बाय बाय दोस्तों।